नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, नवजात शिशु एवं बाल्य रोग सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से। आज आपके समक्ष एक इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, जो कि नवजात शिशु में एक तरह का जन्मजाती विकृति है, जो आजकल प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर पकड़ में आ जाती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉमन एनोमलीज विच आर डायग्नोस्ड। इसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बायफिडा के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी के हिस्से में एक जन्मजाती विकृति रहती है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा पूरी तरीके से बनता नहीं है, और इसमें से जो रीढ़ की हड्डी के अंदर की नसें हैं, जो नसों के ऊपर के कवरिंग या मेनिंजेस हैं, वो बाहर की तरफ अपने को एक सूजन के रूप में बच्चे की पीठ में नज़र आते हैं। इसका एक्सटेंट बच्चे की गर्दन से लेके पीछे की रीढ़ की हड्डी, बैक की हड्डी से लेके नीचे तक, मतलब सर्वाइकल रीजन से लेके थोरासिक रीजन, लंबर रीजन और सेक्रल रीजन को इन्वॉल्व करता है। ये जो डिफेक्ट है, इसे आमूमन स्पाइना बायफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर की स्क्रीनिंग में पकड़ में आ जाता है। इस विकृति की कई सीवियरिटी के हिसाब से टाइप्स होते हैं, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं। अगर माइनर वैरायटी है, जिसमें कि सिर्फ पानी की मात्रा बाहर आई है, इनको हम मेनिंगोसील्स बोलते हैं। कई बार मेनिंगोसील गर्दन के पीछे हो सकती है, या कई बार पीछे बैक में नीचे की तरफ हो सकती है। अगर सिर्फ मेनिंगोसील है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक है, साथ में जो नर्व्स की कवरिंग्स होती हैं, जो मेनिंजेस होती हैं, अगर वैसी चीज़ है, तो आमूमन बच्चे के पैरों में कंट्रोल में कोई कमी नहीं रहती है। बच्चों को पेशाब के रोकने के कंट्रोल में या टट्टी के रोकने के कंट्रोल में कोई कमी नहीं रहती है। इसका जो सीवियर फॉर्म रहता है, उसमें नसों का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, जिसे हम मेनिंगो माइलोसील बोलते हैं। जब मेनिंगो माइलोसील की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो बच्चे के पैरों की नसों में कमज़ोरी होने की आशंका रहती है। डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है, कुछ बच्चों में कमज़ोरी होती है, कुछ बच्चों में पूरी तरह से लकवा भी हो जाता है। और इन बच्चों में जिनमें कमज़ोरी होती है, उनमें पेशाब के रोकने के कंट्रोल में कमी हो सकती है, लैट्रिन के रोकने के कंट्रोल में भी कमी हो सकती है। इस तरह की परेशानियां, जो कि आगे चल के ट्रीट करना, मैनेज करना डॉक्टरी तौर पे कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है। इसे जब भी हम पहचानते हैं, तो शुरुआती प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, सोनोग्राफी होती है या अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की एक जांच होती है, जिसके द्वारा हम ये इंडिकेशन ले सकते हैं कि कहीं बच्चे में स्पाइना बायफिडा की शिकायत तो नहीं है। और अगर इसमें सीवियरिटी अधिक होती है, तो अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को काउंसलिंग और रीअश्योरेंस करना पड़ता है कि बच्चों में जिस तरह की विकृति है, उसे लेकर हमें थोड़ी सी चिंता की बात है, और आगे चल के बच्चे में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। ये चीज़ें अगर माता पिता को पहले से रीअश्योरेंस और काउंसलिंग किया जाए, तो एक मानसिक तौर पर वो बच्चे को रिसीव करने के लिए तैयारी बनाते हैं, मन की तैयारी बनाते हैं, और उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको पहले इस तरह की विकृति की जानकारी नहीं रहती है, और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहता है, एक दिमागी तौर पे एक धक्का लगता है कि इस तरह की विकृति हमारे बच्चे में क्यों हो गई। अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि स्पाइना बायफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों होता है, तो वैज्ञानिक तौर पे जब इतनी रिसर्च हो रही है, तो एक बात सामने आई है कि एक तत्व होता है जिसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की आशंका कहीं अधिक बढ़ जाती है। इसलिए माँ को प्रेगनेंसी होने के 3 से 6 महीने पहले से अगर फॉलिक एसिड की टैबलेट रोज खिलाई जाए, तो इस तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने की आशंका काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है।
एक बच्चे में अगर स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो अगली प्रेगनेंसी में इसका होना कई गुना बढ़ जाता है, जो कि फॉलिक एसिड से प्रिवेंट किया जा सकता है। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को एग्जामिन करके हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को मेनिंगोसील है या मेनिंगोमाइलोसील है या ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, साथ में सिर के अंदर पानी की मात्रा या हाइड्रोकेफेलस की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। उसके लिए कुछ जांचें, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, सोनोग्राफी, ये हमें करनी पड़ती हैं, और जिस तरह की बच्चे की इन्वॉल्वमेंट रहती है उसके हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं बेबी को स्टेबलाइज करके। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, पैरों की कमज़ोरी, लैटरिन के रोकने का कंट्रोल और पेशाब के रोकने के कंट्रोल में कोई कमी नहीं है तो आउटकम बहुत अच्छा होता है और बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह आगे की ज़िंदगी पूरी तरीके से व्यतीत कर सकता है। अगर बच्चे के पैरों में कमज़ोरी है या लकवा है तो बच्चे को मैनेज करना कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो कमज़ोरी कुदरती तौर पे बनी है उसे डॉक्टरी तौर पे किसी भी ऑपरेशन के द्वारा लौटा पाना संभव नहीं है। तो इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे को कमज़ोरी के साथ में कैसे मैनेज करना है। यूरिनरी कंट्रोल और मोशन के लिए कंट्रोल के हिसाब से हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारी ट्रीटमेंट बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए रिहैबिलिटेशन के तौर पे दी जाती है। इन सारी चीज़ों का जब तक हमें पता ना हो तब तक हम अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ों के बारे में प्रेगनेंसी के पहले हमें कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए और समय समय पर डॉक्टरी तौर पे जैसे जैसे सोनोग्राफी और बाकी जांचें बताई जाएं उसके हिसाब से हमें सारी जांचों को कर कर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक सर्जन या न्यूरो सर्जन से कंसल्टेशन अवश्य लेना चाहिए। कुछ भ्रांतियाँ इसमें जुड़ी रहती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज करना है, डॉक्टरी तौर की सलाह ही शीघ्रतिशीघ्र लेके उसको मान्य करते हुए आगे का ट्रीटमेंट हमें बच्चे के हिसाब से प्लान करना है। इससे संबंधित कुछ भी क्वेरीज हो तो हमें अवश्य लिखें, संपर्क के लिए जानकारी चैनल पे दी गई है। ग्रीटिंग्स के साथ में लेक सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अश्विन आपटे, नमस्कार।